दसवीं शताब्दी का भारत एक अंधे युग से गुजर रहा था। राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद सभी छोटे बड़े राजघराने आपस में वर्चस्वता की लड़ाई में लग गए थे। हर एक राजा अपने आप को सम्राट कहलवाना चाहता था। ऐसे ही समय में मालवा के पड़ोसी राज्य का राजा गोहिल अपनी सेना सहित किसी बहाने से मालवा में घुस आया था। गोहिल नरेश एक विशाल काय दानव प्रवृत्ति वाला इंसान है, जिसके लिए लड़कियों और जानवरों के गोश्त में कोई फर्क नहीं है। बाकी की नजरों से अलग लगोगी तो कोहिल की नजरों का शिकार हो जाओगी, इसलिए मुस्कुराओ, खिलखिलाओ बाकियों की तरह। उसे तैलप, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपका मालवा जाना खतरे से खाली नहीं है। जब तक हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता, हमारी हर सांस खतरे में है। और फिर केवल तुम, हम और महल के कुछ लोग ही जानते हैं कि हम मालवा जा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए राजकुमारी मृणाल यहाँ मान्यखेट में ही है। अगर जाना जरूरी है तो मैं जाऊंगा। नहीं, हम मान्यखेट के सिंहासन के साथ इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। आप कभी मेरी बात नहीं मानती। मुझे आपको एक जरूरी सूचना देनी है। कौन है वहां? अब क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ। यहां बैठो। ये लो। जाने के बाद से बहुत डर गए थे। मैं पता हमारा कोई हक नहीं बनता, लेकिन आपको नहीं जानना चाहिए। और बाकी सबको ये लगता है बस डर की वजह से कोई बोलता नहीं है। बहुत हिम्मत जुटा कर आई थी आपके पास, ये बोलने की आप बच जाइए। लेकिन अगर आप तैलब चाचा की ये बात नहीं मान रही तो हमारी बात क्या मानेंगी? रहे हैं तो सब हमसे डरते हैं, ऐसा किसने कहा तुमसे? कोई कहता नहीं है, लेकिन सबके चेहरे से दिखता है। और ज्यादा तो नहीं बोल दिया हमने? तुम हमें कह रही थी कि तुम हमें पसंद करती हो, क्यों? क्योंकि आप बहादुर हैं, वीर हैं। स्त्री होकर भी वो आप सब चीजें कर लेती हैं जो हम राजकुमारियां सोच भी नहीं सकती। हमें लगता है हम तुम्हें पसंद करने लगे हैं। विलास, हर इंसान के जीवन में एक मकसद होता है जिसे पूरा करने के लिए उसे हर क्षण तैयार रहना होता है। हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन का मकसद है। हमें कुछ नहीं होगा। अब तुम जाओ और हमारे लौटने का इंतजार करना। हाँ, तुम क्या कह रही थी? मालवा में एक बहुत बड़े रंगोत्सव का आयोजन होने वाला है।
जिसमें दुनिया भर के कवि और संगीतकार आने वाले हैं, और इस तरह से हमें मालवा में प्रवेश करने में आसानी होगी। ये अच्छा समाचार है सुलोचना। अब तुम्हें मान्यखेट में कवि को ढूंढना होगा। कवि? लेकिन हमारे मान्यखेट में, जानते हैं कि हमने मान्यखेट में कला और संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो छुप कर कविता करता होगा, वही हमें मालवा ले जाएगा। ढूंढो उसे। सिंधु बीच बसत नक्र सनन धर पसारे चरण धर पसारे। अरे परिमल जी, तुम्हें पता है ना कि तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर गाना तो दूर, गुनगुनाना भी मना है। ये मान्यखेट है, मान्यखेट। अरे भाग फूटे तुम्हारे मान्यखेट के, जो परिमल जैसे रत्न को पहचान नहीं पाए। अरे हमारा भी नाम परिमल है, परिमल। होगी अपने घर की राजकुमारी। हम भी परिमल है। वो राजकुमारी मृणाल एक कवि को मार सकती है, लेकिन उसकी कविता को नहीं। अरे परिमल जी, तनिक धीरे बोलिए। किसी ने सुन लिया तो? अब आप तो नहीं डरते, लेकिन हमें राजकुमारी से बहुत डर लगता है। अरे धिक्कार है तुम पर। यही करते रहना, ठक 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 करते रहो, यही यही करते रहो जीवन भर। नहीं 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 नहीं, आज तो हम आपको एक कविता सुना कर ही जाएंगे। अरे भाई, इतने महान कवि की एक कविता तो सुननी होगी। नहीं 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 नहीं, हाँ। अरे नहीं नहीं परिमल जी, अरे एक कविता तो बनती है। एक कविता आओ, आजा आजा। चटक चाल से चलती चंचल चित वाली चंचला, लपक झपक कर इतराती इखलाती बल खाती, सर पर जल की मटकी लाती। सर पर जल की मटकी ले जाती, छलकाती छलकाती छलकाती, मंद मंद मुस्काती मेरे मन के भाती। अरे बताया था आपको। आज तुम पकड़े गए हो परिमल। भाग गए सब। हमने तुमसे कहा था, कोठे के अलावा कहीं भी कविता करते हुए पकड़े गए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जी जी प्रधान जी, हम तो मित्र हैं। स्मरण स्मरण है ना आपको? वो अपना वो कोठे वाली बात है। देखिए, आप यदि चाहते हैं तो मैं इस मान्यखेट की हवा में भी महसूस नहीं होऊंगा। बस एक मौका दे दीजिए। मान्यखेट के बंदरगाह पर एक नाव खड़ी है जो कि मालवा जाएगी। जी, यदि तुम किसी तरह छुप कर उस नाव में सवार हो गए तो पहुंच गए मालवा। करते रहना रंगोत्सव में कविताएं, पर याद रहे नाव चलने के पश्चात ही बाहर निकलना। जी जी प्रधान जी, पकड़ लेंगे नाव। अब हम चलते हैं। मालवा, मालवा का मतलब है कविता करने की स्वतंत्रता। अब हमें चाहे अपनी जान ही क्यों न्योछावर न करनी पड़े, परंतु हम आज उस नाव पर चढ़ेंगे अवश्य। हमारी बाकी की सेना भी पहुंच चुकी है गोहिल नरेश। आप बस आदेश दें, आक्रमण कब कर रहे हैं? आप
सुना है मालवा की लड़कियां बहुत सुंदर हैं। जाओ जाकर मेरे रणीवास के लिए 1000 लड़कियों के प्रबंध करने का संदेश भेजो। उत्सव के विशेष अवसर पर कुछ अतिथियों को आपसे भेंट करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। गुजरात नरेश सोलंकी का मालवा में स्वागत है। स्वागत है मूलराज। आप तो रंगोत्सव के पहले ही पधार गए। उत्सव में तो अतिथि आते हैं, हम तो मित्रता निभाने आए हैं मित्र। इन्हें विशेष तौर पर बुलाया गया है। कल को जब आप राजा बने तो मालवा के आसपास के राज्यों की मित्रता राजनीतिक आवश्यकता भी हो सकती है। मैं जानता हूं महाराज सिंह दत्त पृथ्वी को राजा बनाना चाहते हैं और आप ऐसा होने नहीं देंगे। मैं आपके साथ हूं। जरा सोचिए, कल को कोई भी जिसकी रगों में राजसी खून न हो अगर वो राजा बन जाएगा तो हम जैसे राजाओं का क्या होगा? आप मेरे भाई के समान हैं। हर पल मैं आपके साथ हूं। ये हमारे मित्र हैं। कहो कलारी। राजमार्ग पर कोहिल कई दिनों से नर्मदा के उस पार छावनी लगाकर बैठा है। लेकिन इसमें नया क्या है? वो मुक्त मार्ग है, कोई भी राजा वहां पर छावनी डाल सकता है। आज सुबह से पहले मैं भी यही सोच रहा था युवराज। कोहिल सेना को इकट्ठा करके मालवा पर आक्रमण करना चाह रहे हैं। मालवा पर आक्रमण? यही नहीं युवराज, उसकी तो मांगे भी बहुत विचित्र है। वो मालवा से 1000 स्त्रियों की मांग कर रहे हैं। वो मालवा के मान सम्मान को आहत करना चाहता है। युद्ध की तैयारी करो। लेकिन युवराज, पृथ्वी वल्लभ से अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्यों? आपको मेरी तलवार पर भरोसा नहीं है? मेरे होते हुए पृथ्वी वल्लभ की जरूरत क्या है? लेकिन युवराज, रही महाराज से आगे लेने की बात, तो उनसे स्वयं हम बात करेंगे। पृथ्वी से संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। वो होगा किसी गुफा में रंगोत्सव की मूर्तियां उकेरता हुआ। राजकुमारी अमरूषा आ रही हैं। कितनी बार ठुकराएंगे उनके प्रेम प्रस्ताव को? ठुकराया नहीं है मैंने, स्वीकार नहीं किया बस। दोनों का एक ही तात्पर्य है। दोनों का तात्पर्य पृथ्वी के लिए अलग है रसनीति। पृथ्वी हमारा हृदय तोड़कर उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते। आपको मिली वो आंखें पृथ्वी वल्लभ? जो आपकी खोज और कला दोनों को विराम दे। जब भी इस कक्ष में आता कला के नए रूप तलाशने,
तुम याद आ ही जाते हो। हम याद आते हैं। आप छूटे महाराज। कोई कला और समस्या लेकर आए हो तो लौट जाओ वापस। वापस चले जाओ सैनिक। आज पृथ्वी वल्लभ मूर्तिकार हैं। मालवा पर आक्रमण होने वाला है। वो गो गोहिले कोई एक और युद्ध। इन राजाओं का संकट क्या है? ये चैन से क्यों नहीं बैठ सकते? आगे बोलो। सिंधुराज युद्ध करेंगे। उन्हें महाराज से अनुमति मिल चुकी है। सेनाध्यक्ष कल्लारी है ना सिंधु के साथ? जी महाराज। तो मेरी क्या आवश्यकता है? जाओ यहां से। जी महाराज। आप जानते भी है कोहिल कौन है? और ना ही मुझे कोई रुचि उसे जानने में। इस युद्ध में मुंज का रणभूमि में होना अनिवार्य है। तो आपने सिंधु को अनुमति क्यों दी? वो हम सिंधु को मौका देना चाहते थे। तो मुंज की क्या आवश्यकता है महाराज? आप चाहते ही नहीं है कि वो युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करे अकेले। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो आपका अपना खून है, उस पर भरोसा कीजिए महाराज। तैयार किया है। कितनी सुंदर लग रही है ना? ये मानते ही नहीं हमने कितनी। भिलमराज, हमारा आपसे आग्रह है कि जब तक हम मालवा से वापस नहीं लौटाते, आप यहीं मान्यखेत में रुके। तैलब को संभल रहेगा। अवश्य। धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। सौभाग्य है हमारा। गुरु आदित्य, क्या आपको हमारे सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? ये सामर्थ्य पर भरोसे की बात नहीं है, बात खतरे की है। हम सकुशल वापस लौटेंगे, आप चिंतित ना हो। मृणाल का जीवन इतना छोटा नहीं है। हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव। राजकुमारी मृणाल का लक्ष्य के प्रति समर्पण अतुलनीय है। यह इसने अपने पिता शिवदत्त से सीखा है। यदि हम मालवा से नहीं लौटे तो हमारा प्रभार भिल्लमराज को दे दिया जाए। हमसे नाराज मत हो, हमारे जीवन का तो लक्ष्य ही यही है, और यदि इसे पूरा करते हुए हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें अफसोस नहीं होगा। और यदि ना कर पाए तो हमें वचन दो कि उस मालवा नरेश सिंह दंत से तुम प्रतिशोध लोगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे अक्का। हमने तुमसे वचन मांगा है तैलब। वचन की आवश्यकता तो तब होगी ना अक्का, जब मुझे आपके लौट के आने पर शंका होगी। कभी मिला? जी, अंदर ही छिपा है। उसे ज्ञात नहीं है कि हम कौन हैं। वो कभी कहाँ है? हो रहा
हे गोविंद राखो शरण चरण जीवन हम आपसे कह रहे हैं, आप हटिए, हमें जगह चाहिए। अरे कवि है हम, कवि। कुछ तमीज नहीं है क्या तुम लोगों में? कवि की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। सांप सूं गया क्या? अब समझ में आया, तुम लोग शायद मान्यखेट से हो ना? मैं जानता था, क्योंकि ये मान्यखेट वाले सब एक जैसे होते हैं। अरे कला नहीं, संगीत नहीं, एकदम बेरस दुनिया। मैंने उस मृणालवती राक्षसी से छुटकारा पा लिया। अब होगी परिमल की ऐश की जिंदगी शुरू। क्या आप अभी भी पृथ्वी का इंतजार कर रहे हैं? सेनापति कल्लारी, युद्ध की घोषणा करवाइए। सिंधुराज, आपने बुलाया है? नहीं सिंधुराज, रहा नहीं गया सेना प्रमुख से। एक वीर को दूसरे वीर की विजय अच्छी नहीं लगती। उल्टे पांव लौटो मुंज, ये युद्ध मेरा है। मालवा की धरती का युद्ध केवल तुम्हारा कैसे हो सकता है सिंधु? तुम कहना क्या चाहते हो मुंज? याद है पिताजी ने क्या सिखाया था? उत्कृष्ट युद्ध वही है जो बिना लड़े ही जीत लिया जाए। गोयल राज को द्वंद्व युद्ध बहुत पसंद है, कुश्ती का बहुत शौक है उसे, और इसीलिए मैं उसे चुनौती दूंगा। सिंधुराज, मैं युद्ध की घोषणा करता हूं। तुम ये द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज का ऐसा कोई आदेश नहीं हमें। सेनाध्यक्ष, ये तो खुद ही मौत के रास्ते पर जा रहा है, रोको मत। दो दुश्मन में एक तो आज खत्म हो ही जाएगा। मैंने एक सफल रंगोत्सव की जिम्मेदारी ली है, आप नहीं चाहते मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊं? यदि द्वंद्व युद्ध ही आखिरी उपाय है तो तुम नहीं, मैं लड़ूंगा पृथ्वी। गुरुदेव, शिष्य के होते हुए गुरु कैसे लड़ सकता है? इस द्वंद्व में आपका चुनौती देना मेरा अपमान है। तुम हमेशा मुझे निरुत्तर कर देते हो। तो युद्ध की आज्ञा है महासेनापति? और अगर इस द्वंद्व युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो इसका दायित्व किसका होगा? मेरा। उसका संपूर्ण दायित्व मेरा होगा मेरे भाई, वचन देता हूं। आप मान्यखेट के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्यों? रानी हूं वहां की। अरे ये कैसा सवाल कर दिया तुमने? अरे वो मृणालवती है ना, मृणालवती, उसने सारा कहर मचा के रखा हुआ है। गाओ मत, नाचो मत। क्यों भाई? एक बात बताओ, तुमने यहाँ कोई उत्सव होते हुए देखा है? नहीं नहीं बताओ, कोई उत्सव होते हुए देखा है तुमने?
कैसे देखोगी? और एक तरफ है पृथ्वी वल्लभ और उसका मालवा, सुर ताल संगीत कविता रंगमंच सब है वहां, और कवियों की इज्जत की जाती है मालवा के अंदर। मैं तो चाहता हूं कि उस मृणालवती को उस पृथ्वी वल्लभ से मिलवा दे एक बार बस, तब जाके उसको समझ में आएगा कि एक अच्छा राजा कैसा होता है और अच्छा राज्य चलाने वाले कैसे होते हैं। स्त्रियां, हजारों स्त्रियां, एक एक को खुद चुनूंगा मैं। कहाँ है? कैसा समझौता है ये? हमें तो बताया गया था कि मालवा समझौता करना चाहता है। 1000 स्त्रियों की मांग की थी मैंने, परंतु यहाँ तो कोई भी स्त्री नहीं। कोहिलराज, हम यहाँ कोई समझौता करने नहीं आए हैं, मालवा की परंपरा के अनुसार चेतावनी देने आए हैं। वापस लौट जाओ, यही उचित होगा। वापस नहीं लौटा तो? तू है कौन जो मुझे चेतावनी दे रहा है? लहरों में छिपा उछाल ही मैं, हवा में दबा तूफान हूं मैं, तलवार की धार हूं, दुश्मन का काल हूं मैं। इस मिट्टी से बना हूं मालवा का लाल हूं मैं। मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं गोहिल। कान तरस गए ये सुनने के लिए, बहुत दिनों से हड्डियों के टूटने की आवाज नहीं सुनी मैंने। यदि तुम जीत गए तो तुम्हारी शर्त मान ली जाएगी। 1000 स्त्रियां तुम्हें तोहफे में दी जाएंगी, किंतु यदि तुम हार गए तो अपनी सभी गुलाम स्त्रियों को तुम्हें स्वतंत्र करना होगा। No!
सेनापति, गोयल राज के वचनानुसार ये सभी स्त्रियां आज से स्वतंत्र हैं, और आप गोयल राज की अंतिम क्रिया का प्रबंध करें। रुकिए, आप सभी, आप सभी हमारी मेहमान हैं। मालवा के रंगोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। क्या आप हमें अपना शिष्य बनाएंगे? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम कविता का कभी जानती होगी, लेकिन उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। समझ के रखा है क्या? हम ये सब नहीं खाते। वैसे आप मान्यखेट में रह कहां रहे थे? वहीं यहां सारे भगोड़े रहते। कहां? अरे गोदावरी के पार एक कोठा है, कोठा। बड़े बड़ों को देखा है हमने, भेष बदल बदल के वहां आते हैं। हम भी चले गए भेष बदल के, वहीं छुपे हुए थे। तो हमें लगता है कि जैसे हमने आपसे मोहब्बत करके कोई गुनाह किया। अचानक ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? और क्या, इस चार दीवारी के अंदर बंद कमरे में आपका प्यार कभी कभी ऐसा ही लगता है जैसे जमाने से छुप छुपा कर किया कोई गुनाह हो और हम उसके गुनहगार। क्या कहना चाह रही हूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। निकलना चाहते हैं इस चार दीवारी से, आपके साथ बाहर खुली हवा में जाना चाहते हैं। हमें बाहर ले चलिए। ठीक है। दीवार क्या है? हाँ? ये दीवार? ये दीवार आज देखी आपने? महाराज, ये कुछ पुरानी सुरंग है जिसे बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। Thank you.
मालवा आ गया। मालवा, मालवा! ये है कवियों का राज्य मालवा। देखो, मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपनी शिष्या बनाऊंगा। अब तो मेरी शिष्या हो गई तो सेवा तो करनी पड़ेगी। तो ये मेरी जो पोटली है, ये तुम उठाओ और मेरे पीछे 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 चलती बनो। भाई सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा। अरे मालवा पहुंचना है। मालवा पहुंचने के बाद पृथ्वी वल्लभ से मिलना है, और पृथ्वी वल्लभ से मिलना कोई आसान काम नहीं है, समझ गई? और तुम लोग देख क्या रहे हो, हैं? ये नाव मालवा नहीं जाएगी। यहाँ से छोटी नाव पकड़कर हमें मालवा में प्रवेश करना होगा, समझ गए तुम लोग? चलो 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 चलो। शिष्या सेवा तो बनती है। आओ 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 आओ। देखिए पिताजी, आपके मालवा का रंगोत्सव। प्रणाम महाराज। जाओ, तुम्हारा कवि मित्र इंतजार कर रहा है। अरब से कुछ प्रसिद्ध कवि आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए बंदरगाह पे पृथ्वी की आवश्यकता है। तुम जाओ, यहीं से रंगोत्सव का आनंद उठाऊंगा। क्या हुआ रसनिधि, तुम्हारा रस क्यों भंग है? इतने वर्षों से लोग मालवा आ रहे हैं, पर वो नहीं आई जिनका बेसब्री से इंतजार है इतने वर्षों से। हो सकता है ऐसा कोई कहीं हो ही ना। ऐसा ना कहिए राजकुमार मुंज, क्या पता इस वक्त मालवा की सीमा कोई पार कर रहा हो जिसको मिलने के बाद आपका जीवन ही बदल जाए। राजकुमार, कहाँ खोए हुए हो? अरे बात क्या हुई है राजकुमार? हम कह रहे थे अरब से आने वाला जहाज आ चुका है, अरबी अफसानेगार आ गए हैं। चलिए चलिए, देर हो रही है, चलिए चलिए। अरे चलिए ना। लो
यहां होगी महान कवि परिमल की वास्तविक पहचान। आओ, ये है सपनों की नगरी, कलाकारों की यहां इज्जत होती है, इज्जत मान सम्मान करते हैं लोग। और कहां हम मान्यखेट में फंस गए हैं, और वो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे हम तो हैं ही ऐसे कि हमारे एक कहने पर सूरज भी हमारे लिए पलट कर देखें। परिमल नाम है हमारा, परिमल, हम किसी से कम नहीं है, भले वो मालवा के राजकुमार हों। अरब के अफसानेगार अल मुतनबी और ये मालवा के राजकुमार मुंज। शब्दों को कविता के धागे में पिरोने का शौक इन्हें भी है। मालवा आप सभी का इस्तकबाल करता है। रसनिधि, हमारे मेहमानों को विश्राम गृह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जी। किसे ढूंढ रहे हैं? किसी को नहीं। किसी को नहीं तो इतने खोए खोए क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि आपकी नजरें किसी की तलाश में भटक गई हैं। यही तो थी वो आंखें। वो आंखें जिन्हें ढूंढने के लिए आप खुद कहीं खो जाते थे, जो आपकी आत्मा की तलाश थी, सदियों की प्यास थी, जो ना छंदों में समाती थी, ना रंगों में समाती थी, ना तराशे हुए अंगों में। ऐसी आंखें आपने कहां देखी हैं? यहां मालवा में कहां देखी है? यहां नाव पे, वहां तट पे, वहां लोगों में? आप यहां खड़े क्यों हैं? आप अभी जाइए और उन्हें ढूंढे। नहीं, आप यहां की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप जाइए, उन्हें ढूंढिए। सैनिकों की छावनी, मुख्य द्वार का सुरक्षा भवन, और वो सभी इलाके जहां भीड़ कम होगी वहां एक साथ विस्फोट होने चाहिए। और प्रत्या, तुम हमारे चीनी भाइयों के साथ यहाँ मुख्य द्वार पर जाओगी विस्फोट करने, और तुम तीनों अलग अलग समूहों में बंटकर शहर के उन सभी इलाकों पर जाओगी जहाँ भीड़ कम है। और आप? मुझे राजमहल में प्रवेश करना है। सिंहदंत का अंत स्वयं करना है। पर आपका वहां अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा, हजारों सैनिक होंगे वहां, और आपके लिए महल में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमारे कवि परिमल काम आएंगे। हम परछाई बनकर आपके साथ रहेंगे और महल तक आपके साथ चलेंगे। आपको सौगंध है हमारी, आप मना नहीं करेंगे। अगर हमारा ये प्रयास विफल रहा
तो ये पत्र तैलब को दे देना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूचना मिली थी कि आप सैनिक छावनी के निरीक्षण पर जा रहे हैं। सूचना सही है। पर आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप शिकार पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान समय रहा तो शिकार भी कर लेंगे। उस नाचने वाली को साथ ले जा रहे हैं ना आप? कोशा नाम है उसका। पर है तो नाचने वाली। सुना है सब गुणों में चकला। काश कभी मेरे लिए भी इतने अधिकार से नाराज हो जाता है। हमारे पास आइए, बस एक पल के लिए ही सही। सो जाओ चखला। से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अब तो खड़ी हो गई हूं ना मैं। अब तो नहीं जाएंगे ना। आप सही नहीं है। ये मान्यखेत की रानी मैं हूँ। मान्यखेत की रानी मुझे छोड़ के उस नाचने वाले के साथ आप नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के आप संभालिए अपने आप को। आप मत जाइए, मत जाइए। कोशा, तेरे सारे चाहने वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चलकर महफिल की रौनक बढ़ा दे। महफिल वाले सारे अपनी कोशा जान के लिए बेताब हो रहे हैं। कोशा है ही ऐसी आफताब जिसके लिए सारी महफिलें बेताब हुआ करती हैं। लेकिन आज यही आफताब खुद बेताब है। आज मेरे मन की महफिल सजी है, किसी और महफिल को सजाने का मन नहीं कर रहा। कैसा मन? किसका मन कोशा? हमारा व्यापार मन से नहीं तन से होता है। लेकिन आज मेरे मन को किसी और ने गिरफ्तार कर लिया है मौसी। बहकी बहकी बातें मत कर कोशा। अपने जज्बात पर काबू रख और ये मत भूल कि तू एक वैश्या और एक वैश्या को मोहब्बत करने का हक नहीं। यही ना समझती हूं, सब समझती हूं।
मगर जब से महाराज तैलप हमारी जिंदगी में आए हैं, तब से इस वैश्या के अंदर की औरत का मन इस कोठे के सारे बंधन तोड़ मोहब्बत कर बैठा है। अब इस मन को कैसे समझाऊं मौसी, जो इस अरमानों के जोड़े को अपनी तन से लपेट लेना चाहता है। पागल मत बन कोशा, सुहाग का ये लाल जोड़ा हम वैश्याओं के लिए कफन है। कोई हक नहीं है हमारा इस पर। अपने अरमानों को इस कफन के साथ दफन करते हैं। इस कोठे की चार दीवारी सिर्फ सिक्कों की खनक और पायल की झनक सुनती है। यहाँ मन की मनमानी नहीं चलती। कुछ दिनों के लिए ही सही मौसी, हमारा मन भी दुल्हन बनना चाहता है, सजाना चाहता है अपने तन को अरमानों के इस जोड़े से, करना चाहता है 16 श्रृंगार। जिंदगी ने एक मौका दिया है मौसी, मैं भी जीना चाहती हूँ एक रानी की तरह, लेकिन मरेगी एक वैश्या की तरह। एक बात याद रखना कोशा, राजा और वैश्या कभी किसी के नहीं होते। राजा का रिश्ता सिर्फ उसकी जीत के साथ, और वैश्या का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत और आईने के साथ होता है। मौसी, पहली बार हमने किसी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, सच्चा प्यार। महाराज हमें अपनाना चाहते हैं, वो तैयार है हमें शिकार पर ले जाने के लिए, और हम भी उनके साथ शिकार पर जाएंगे। शिकार पर या शिकार होने? शिकार अगर खुद ही शिकार होना चाहता हो तो। मतलब मोहब्बत हुई है मौसी, कोई मजाक नहीं, और तैलप राज की मोहब्बत में तो कोशा मरने को भी तैयार है। जान जानी है तो जाए, सनम की बाहों में आगोश में तो होंगे हम अपनी मोहब्बत के। आदिवासियों के भेष में चार या पांच स्त्रियां ही है। ढूंढो इन्हें और मालवा की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। नगर का कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे फौरन बंदी बनाओ उसे, और मुझे तुरंत सूचना दी जाए। और इस महल के आसपास का पहरा भी बढ़ा दिया जाए। जाओ। और वो वाला दिखाइए। राजकुमारी, स्मरण रहे, सिंहदंत हमारा लक्ष्य है, और पृथ्वी उस लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम। ये पृथ्वी बहुत रसिक मिजाज है, अब तक विवाह भी नहीं हुआ है इसका। Thank you.
राजकुमारी। पकड़ी गई आप। क्या तात्पर्य है आपका? ड्रिप शास्त्र के अनुसार चलते समय जिसके कंधे झुके नहीं, जिसकी चाल में आवेग हो, जिसके नैनों में नीले समंदर की लहरें उछाल मार रही हो, वो राजकुमारी ही होती है। हाँ, मैं हूं राजकुमारी, अपने मन के साम्राज्य की, अपने कबीले की और अपने परिवार की। लगता है रास्ता भटक गई हैं आप। कभी कभी रास्ता भटकना मंजिल के करीब होना भी तो होता है। और कौन है आपकी मंजिल? आप हैं हमारी मंजिल। मालवा के महान योद्धा पृथ्वी वल्लभ के किस्से हमारे कबीले में गाए जाते हैं। बस वही किस्से मुझे यहाँ खींच लाए। लेकिन देख रही हूँ कि मालवा के युवराज एक रसिक मिजाज आशिक की तरह मालवा की सड़कों पर भटक रहे हैं। आशिकी सबको नसीब नहीं होती राजकुमारी। रुक्मा नाम है मेरा। और आपकी मंजिल का? कवि परिमल, उन्हीं के साथ आई थी यहाँ। कला भवन, मालवा के रंगोत्सव में सभी कवियों का एक ही ठिकाना है, कला भवन। शुक्रिया मंजिल का पता बताने के लिए। आपकी और मेरी मंजिल एक ही है राजकुमारी। रुक्मा, चलें। अगर आप साथ नहीं चल सकते तो मैं अकेले ही। ये मेरा मित्र है कंटक। इसकी एक समस्या है, मालवा में इतनी सुंदर लड़की को ये इतनी दूर पैदल नहीं चलने देगा। जिद्दी है बहुत, आप ही की तरह। क्षमा कीजिए, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। कला भवन का नियम है, जब भी कोई कलाकार पहली बार कला भवन आता है तो उसे अपनी कला का प्रमाण देना होता है।
हाँ राजकुमारी, वो रंगोत्सव का नियम है। आप यदि किसी वाद्य यंत्र में निपुण हैं, तो आपके सामने ये विकल्प है, और यदि आपकी कला आपके शब्दों में छिपी है, तो ये कवि का स्थान है आपके लिए। तो बताइए, कौन सी कला है जो आपकी सांसें हैं, आपकी धड़कन है? अधरों ने कुछ ना कहा हो चाहे, आंखों ने तुम्हारी जवाब दे ही दिया। वीणा आसन पर रखवाई जाए। आइए राजकुमारी। पृथ्वी वल्लभ सिंह दंत की हत्या करने के लिए आज मृणाल कुछ भी करेगी। जिस वीणा को हमने कई साल पहले त्याग दिया था क्योंकि उसके सुर चुभते थे हमें, अगर इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आज हमें वीणा बजानी पड़े तो हम बजाएंगे। लगता है वर्षों से कला से दूर हैं, सुर बिखर गए हैं। मैं ठीक किए देता हूं। लीजिए राजकुमारी, अब आप इसे जैसा रंग जैसा सुर देना चाहेंगे ये वैसा ही बजेगा। ए-
गिरा दे तेरे पास जितने अश्क है ए घटाएं, ये प्यास किसी के मिलने से बुझेगी, तेरे बरसने से नहीं। गांव गहरा और पुराना लगता है, आपकी उंगलियां भी वीणा पर बहुत समय बाद चली हैं, लेकिन धुन में छिपा दर्द अभी भी ताजा है। आज ही पहचान हुई है हमारी, नए नए मित्र हैं, लेकिन आप चाहें तो अपना दर्द बांट सकती हैं मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो वीणा का तार टूट गया था इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन आवाज तो दिल टूटने की भी थी। आपके मालवा आने की वजह केवल रंगोत्सव तो नहीं हो सकती,
हमने आपको बताया तो था, हमारे कबीले में महाराज सिंहदंत की महानता के किस्से गाए जाते हैं। बस वही सुनकर हम यहाँ आ गए। हमेशा से उनसे मिलने की इच्छा थी। महाराज को भी आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। कलावधु की प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। महाराज सिंहदंत आपको वहीं मिलेंगे। आइए मेरे साथ। जी मित्र, मुझे जरा ये क्या कर दिया आपने? शक्ल से हम आपको भिखारी नजर आते हैं, हैं? अरे कभी है हम कभी क्या सोच के आए थे मालवा के अंदर? ये लो पकड़ो, कमाल करते हैं मालवा के लोग भी। रुक जाओ। अब क्या है भाई? कौन हो तुम? भिखारी है, दे दो थोड़ी भीख, दे दो तुम भी। अरे परिमल नाम है हमारा, कवि है हम। अरे हमारा अपराध क्या है भाई, ये तो बता दो। व्याकुल प्रतीत होती हैं आप। इतना नाच गाना संगीत, कोई काम नहीं है क्या लोगों के पास? अजीब देश है ये। यह सवाल आप पूछ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद एक कलाकार हैं। हाँ, अगर वीणा बजाने का अभ्यास जारी रखती तो शायद ये सवाल नहीं पूछती आप। हमारे कहने का तात्पर्य था कि कला जीवन तो नहीं है ना, और भी काम होते हैं इंसान के पास। वो देखिए, चित्रकारों को देख रही हैं। ये सभी कई दिनों से इस चित्र को बना रहे हैं और आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आज का रंगोत्सव इनके जीवन में भी रंग लेकर आएगा। पूछिए कैसे? मैं बताता हूं, क्योंकि आज इनकी कला की, इनकी मेहनत की प्रशंसा होगी, चर्चा होगी और पुरस्कार भी मिलेगा। मालवा में कला ही काम है और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम। प्रणाम राजकुमार। आप काम जारी रखिए। लोगों के काफी चहीते लगते हैं आप। आइए। ज्ञात नहीं है कि आप बहुत महान कवि का अपमान कर रहे हैं कला की जगत में। तुम्हें ज्ञात? तुम मन्यखेट से हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, मन्यखेट से आए हैं हमारी पैदाइश वही की है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी इतनी औरतों और विदेशियों के साथ क्यों थे? औरतें? कौन सी औरतें? हाँ औरतें, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। तीन चार औरतें थी और छोटी छोटी आंखों वाले, यूं कुछ विदेशी भी थे। हुन बस हम इतना ही जानते हैं महाशय। हम चले चलते हैं।
मालवा बहुत अच्छा है मालवा। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, हम चलते हैं। नहीं नहीं जाएंगे। तुम जा सकते हो है? अगर तुम उन औरतों और हुन की पहचान करोगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेके चलो चलो भाई। अरे हम पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे उन औरतों को भी और हुनों को भी। आज का महोत्सव बहुत विशेष है। मतलब? कलावधु, आज कलावधु का चुनाव होना है। कलावधु या नगरवधु? आप तो कला की बात कर रहे थे, और यहाँ पूरे राज्य के मनोरंजन के लिए एक औरत को संपत्ति में बदलने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। लोग उसे नगरवधु कहते हैं, लेकिन हमारे मालवा में उसे कलावधु का दर्जा देते हैं। एक ऐसी स्त्री कलाकार जो मालवा की कलाओं का सम्मान बढ़ा सके। और कलावधु के चुनाव के मापदंड क्या है? रूप, कला और बुद्धि का संगम। फिर तो आपको इस चुनाव में बहुत दिलचस्पी होगी। निष्कर्ष पर बहुत जल्द आ जाती हैं आप। मालवा के लोगों से मिलिए, अगर आपने मालवा को समझ लिया तो जीवन को भी समझ लेंगे। ये क्या है? मालवा की मान्यता है कि जोड़ियां बनाता भगवान है, लेकिन वो मिलती यहां रंगोत्सव में है। हो सकता है आपको भी कोई अपना मिल जाए, और अगर मिल जाए तो उसे पहना दीजिएगा। युवराज की जय हो। कलावतु के चुनाव की औपचारिकताएं पूरी करनी है, न्यायमंडल आपका इंतजार कर रहा है। अफसोस है, मुझे जाना होगा, वापस यही मिलूंगा। मेरी भी क्या मती मारी गई थी कि मान्यखेट से यहाँ मालवा में आ गया। ये तो बस वो औरत और वो दो हुन दिख जाए, मेरी भी जान छूटे। लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे, वो एक बार मुझे दिख जाए बस। वो रही वो औरत और वो दो हुन, भागो! वो रही वो औरत। सैनिकों की छावनी और अन्य स्थलों पर विस्फोटक लगा दिए गए। और मुख्य द्वार का क्या हुआ? प्रत्या मुख्य द्वार पर गई है। विस्फोटों में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है इन्हें शक हो गया। अचानक पूरे नगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये देखिए, ये रंगोत्सव और उससे जुड़े महल का नक्शा है। कुछ ही देर में सिंहदत्त यहाँ से निकलेगा। आपके बाहर निकलने का एकमात्र यही मार्ग है। विदिशा नौका लेकर दक्षिणी पूर्व छोर पर हमारा इंतजार कर रही होगी। हम विस्फोट यहाँ पर करेंगे। आपके लिए ये गलियारा बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ भी करके आपको सिंहदत्त को यहाँ तक लाना होगा, और यहीं उसकी हत्या करनी होगी। समय 40 पल और 30 क्षण है हमारे पास। Thank you.
मैंने तो सुना था मालवा में औरतों को बहुत इज्जत और सम्मान दिया जाता है। खोल दो। किसने भेजा है तुम लोगों को? तुम्हारे काल ने। ये क्या? अरे रुको इसे। इतना विस्फोटक लगाया है मालवा में कि पूरे इतिहास में मालवा का उल्लेख सिर्फ उसके बचे हुए खंडरों से होगा और हमारी राजकुमारी के हाथों सिंहदंत का अंत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सैनिको, एक टुकड़ी उत्तर की तरफ जाएगी और दूसरी दक्षिण की तरफ। जाओ। वक्त आ गया है सिंहदंत, हमारी प्रतिशोध की ज्वाला को बुझाने का।